अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 15 के ही क्वेश्चन कुछ करने हैं, जिसको आज हम लेक्चर नंबर 2 का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने 1 के दो पार्ट करवाए थे, दो पार्ट आपको करने के लिए दिए थे, उम्मीद है आपने किए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा सुन लें। वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर ए एंड बी आर टू रियल नंबर, ए ग्रेटर बी। अब चेक करने का तरीका ये है, हमारे पास क्योंकि ये अल्फाबेट है, हमें नहीं पता कि इसका हाइपोटेन्यूस कौन सा है, अल्फाबेट कौन सा है, बेस कौन सा, तो हम ए की जगह 2, ए ग्रेटर है ना बी से, तो हम 2 ग्रेटर 1 इस नंबर को इनकी जगह यूज करके चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर है। जैसे ही आप इन दोनों नंबरों को आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये नंबर सबसे बड़ा है, इसका आंसर, इसका आंसर दोनों का छोटा, तो हम इसे हाइपोटेन्यूस कह देंगे, इसे परपेंडिकुलर से बेस। बाय पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज पुट करें परपेंडिकुलर की, बेस की, हाइपोटेन्यूस की। अब ये अंदर भी स्क्वायर बाय भी स्क्वायर, तो आपने ऐसे फार्मूला पुट करना है, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 4ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab ओपन करें इसे मल्टीप्लाई करें एज इट इज, ओपन करें इसे मल्टीप्लाई करें। अब गौर करें, ये और ये दोनों ऐड हो गए या माइनस हो गए, माइनस प्लस 2ab स्क्वायर आएगा। अब ये राइट साइड की लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की है, वही आप लिखना है। हेंस वेरीफाइड दीज साइड्स आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर मेजर एक्स 8x एंड 7d, ये तीन साइड्स अभी तक हमें इसके बारे में पता नहीं है रिस्पेक्टिवली विल द थ्री, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, विल इट बिकम बेस, अगर ये बेस बन जाएगी तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें क्लियर हो गया है कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें हम बेस में एक्स रख देते हैं, तो हाइपोटेनियस इन दोनों में से बड़ा नंबर होगा 17 हाइपोटेनियस और जो बच गया वो परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दें, हाइपोटेनियस 17 है, परपेंडिकुलर 8 है, बेस ऑफ एक्स है। बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसे आप थ्योरम लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, उन्हें ओपन करें, 64 में यहाँ लगे माइनस करें, 225 आ जाएगा, दोनों साइड का अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू भी आ रही 15, यही हमने फाइंड करनी थी व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों ये आपका लेक्चर है, और एक क्वेश्चन आपने खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आपकी बुक भी होगा, मैं बता देता हूँ उसमें क्या है। एक एरोप्लेन है, वो 300 मीटर ऊंचा है और ये पॉइंट एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट से 500 मीटर दूर है। जब एरोप्लेन ने लैंड करना है एयरपोर्ट की तरफ, तो एरोप्लेन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ट्रैवल करेगा, तो आपने इसमें हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन की डायग्राम नोट्स पर बनी होगी, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।